तो दोस्तों बात करते हैं ओमनी नेटवर्क की। ओमनी नेटवर्क का जो है एयरड्रॉप चला हुआ है बाइनेंस पे। बाइनेंस पे आपका अगर फंड हो तो आप उसको स्टेक करके ओमनी नेटवर्क का जो है एयरड्रॉप गेट कर सकते हो। तो देख सकते हो ये मैंने ट्विटर अकाउंट ओपन कर लिया है और इसका एयरड्रॉप काफ़ी पहले से चला हुआ था और अब जाके ये है बाइनेंस पे जो है लॉन्च हुआ है। तो आपके पास 3 दिन का समय है, आप इस एयरड्रॉप में भाग ले सकते हो और अपना जो है फंड है उसको स्टेक करके फ्री में इसको एयरड्रॉप का जो है गेट कर सकते हो। जब ये आपको एक बार एयर ड्रॉप मिल जाएगा तो आपके पास जो फंड होगा जो आपने स्टेक किया होगा उसको अनस्टेक कर लेना तो आपका फंड वापस आ जाएगा। कहने का मतलब आपके फंड से आपको एक और एयर ड्रॉप मिलेगा और उस एयर ड्रॉप को मिलने के बाद आप अपना फंड वापस ले लेते हो। कहने का मतलब आपके पैसे से ही आप और पैसा कमाओगे। तो अगर जिनके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो बाइनेंस का अकाउंट बनाने के लिए आप अगर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे बाइनेंस, अगर आप इंडिया से हो तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते इसे आपको, क्योंकि यह बैन किया जा चुका है इंडिया में, टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दी गई हैं। लेकिन आपको मैं एक सुझाव देता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आते हो, टेलीग्राम चैनल में आने के बाद आप बाइनेंस सर्च करोगे तो बाइनेंस का ऐप आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो बड़े आसानी से और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपको अपनी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। अब तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, अपने अकाउंट पे जाना है जैसे बाकी ऐपों में होता है, अपने अकाउंट पे जाना पड़ता है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, सेम इसमें भी होगा। ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, मेरा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, तो आपको भी सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है, आप जिस कंट्री से हो, और आपकी फ़ोटो मांगते हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाता है। उसके थ्रू आप लेन देन कर सकते हो, अपने अकाउंट में अपना पैसा भेज सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, इसलिए काफ़ी ज़रूरी होती है वेरीफिकेशन करना। वेरीफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप बैंक आते हो तो सबसे पहले आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है। अगर आपके पास थोड़ा अमाउंट पड़ा हो यहाँ पर देख सकते हो, मैं अपने वॉलेट में आता हूँ, वॉलेट में मैंने जैसे क्लिक करा तो स्पॉट वॉलेट में दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास इस टाइम $149 पड़े थे, अब ये $3.65 दिखा रहा है क्योंकि मैंने स्टेक कर रखा है तो इसका कम दिखा रहा है, और बाकी मेरे को जो है जो मैंने एयर ड्रॉप से कमाए हैं वो दिखा रहा है, बाकी मैंने फ़ंड निकाल लिया है तो अभी थोड़ा सा कम दिखा रहा है, जो ये हैं सागा और ETH5। तो मैंने ये दोनों ही एयर ड्रॉप से कमाए थे और थोड़ा थोड़ा फ़ंड मैंने इन दोनों में से निकाल लिया है और अब काफ़ी मामूली सा फ़ंड मेरे पास रह गया है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको होम पे आना है और सबसे ऊपर देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करना है, आप आते हो इस पर जैसे ही क्लिक करते हो मोर सर्विस पे तो लॉन्च पैड का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे नीचे आते हो आप देखते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे आप अर्न वाले ऑप्शन में आते हो यहाँ पे है लॉन्च पैड, इस पर क्लिक करते हो आप, इस पर क्लिक करने के बाद आपको आना है लॉन्च पूल वाले ऑप्शन में, इस पे आने के बाद आप देख सकते हो ये ओमनी की फार्मिंग हो रही है, अभी करंट चला हुआ है, इससे पहले सागा है कंप्लीट हो चुका है, नीचे आते हो ये कंप्लीट हो चुका है और अभी इसका जो है ओमनी का चला हुआ है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास फंड है VNB का, BNB कॉइन है आपके पास, या फिर आपके पास है FD USD पूल, ये वाला जो कॉइन होता है स्टेबल होता है, इसका प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाता है, स्थिर रहता है। आप अगर आपके पास ये हो तो आप इसको स्टेक कर सकते हो, और अगर आपके पास BNB हो तो आप इसको BNB को स्टेक कर सकते हो। तो मेरे पास FD USD था तो मैंने इसको स्टेक कर दिया है, स्टेक करने के लिए मैंने इस पर क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद देख सकते हो ओमनी की फार्मिंग है, इसके नीचे मैंने क्लिक करा तो दो ऑप्शन खुल चुके हैं, ये वाला मेरे पास इसमें फ़ंड नहीं है BNB में बिल्कुल भी, तो यहाँ पे देखिए स्टेकिंग बिल्कुल नहीं आ रही, इनेबल नहीं है, और मेरे पास FD USD का था तो ये वाला ऑप्शन जो है मेरा इनेबल हो रहा है। इसमें मैं स्टेक पे क्लिक करूँगा, स्टेक पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है आप कितना फ़ंड स्टेक करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया मैंने और जो अपने फ़ंड को यहाँ पर स्टेक कर दिया। स्टेक करने के बाद आप देख सकते हो मेरी फार्मिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, $145 जो मैंने इन्वेस्ट करे हैं उसके थ्रू मेरे को यहाँ पर रिवॉर्ड रिसीव हो जाएगा, और जब एक बार रिवॉर्ड रिसीव हो जाएगा तो मैं बाद में अपने फ़ंड को अनस्टेक कर लूँगा। मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने फ़ंड को स्टेक करने के चाहे 1 मिनट बाद अनस्टेक कर लूँ चाहे 1 दिन बाद अनस्टेक कर लूँ, मेरा पूरा का पूरा फ़ंड वापस आ जाएगा बिना किसी फीस के।
तो आपके पास अच्छा मौका हो सकता है, आप अपने पैसे से और पैसा कमा सकते हो और बिना अपना पुराना पैसा गवाए। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है बाइनेंस का तो जल्दी जाइए, अकाउंट बनाइए, क्रिएट करिए, अपनी वेरिफिकेशन करिए और ओमनी एयरड्रॉप चला हुआ है, जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाइए। इसका प्राइस काफ़ी तगड़ा जा सकता है, सप्लाई इसकी काफ़ी कम है। अगर आपके पास 3-4 कॉइन भी इकट्ठे हो गए तो आप काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट लेके जाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।